बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर ऑल गुड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पोइम, द नॉर्थ शिप बाय फिलिप लार्किन, ग्रेड 7, ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश। फर्स्ट इसके वर्ड्स टू नो है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा अपनी बुक के ऊपर। देन वी स्टार्ट इट्स रीडिंग। आई सॉ 3 शिप्स गो सेलिंग बाय। मैंने 3 शिप देखी जो कि जा रही थी, सेल कर रही थी समुंदर के अंदर। ओवर द सी एंड लिफ्टिंग सी एंड द विंड रोज इन द मॉर्निंग स्काई एंड वन वॉज रिग फॉर अ लॉन्ग जर्नी। और वहाँ पे जो थी हवा चल रही थी, ठीक है, हवा कभी ऊपर जा रही थी, कभी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। सुबह का स्काई था और एक जो थी वो एक लॉन्ग जर्नी के लिए जा रही थी, क्योंकि उसके ऊपर जो वो पर्दे वगैरह से होते हैं वो लगे हुए थे, सेल्स वगैरह लगे हुए थे सारा। द फर्स्ट शिप टर्न टूवर्ड्स द वेस्ट। पहली शिप जो है वेस्ट की तरफ चलेगी। ओवर द सी द रनिंग सी, जो कि जिस तरफ समुंदर जा रहा है उसी तरफ वो उसने अपना रुख कर लिया। एंड बाय द विंड वॉज ऑल पोजेस्ड, और जो हवा है उसके साथ जिस तरह से वो सेलिंग्स वगैरह लगी होती हैं पर्दे वगैरह, तो जिस तरह हवा का रुख होता है वो उसी तरफ मूव करती है। पोजेस्ड का वैसे मतलब होता है किसी के ऊपर काबू हो जाना, कब्जा हो जाना। एंड कैरी टू अ रिच कंट्री, और किसी भी अमीर मुल्क की तरफ वो जा रही है। द सेकेंड शिप टर्न टूवर्ड्स द ईस्ट। ओवर द सी द क्वैकिंग सी, और दूसरी जो है वो ट्रेम्बलिंग यानी कि लहरों से भरा हुआ जो सी है उसकी तरफ चली जाती है। एंड द विंड हंटेड इट लाइक अ बीस्ट, और हवा जो है वो उसके पीछे पीछे जा रही होती है, और इस तरह से उसका आप कह सकते हैं हंट करिए या उसको कैप्चर करिए जिस तरह से कोई बीस्ट करता है। टू एंकर इन कैप्टिविटी, एंकर का मतलब वैसे तो वो लंगर डालना होता है, और कैप्टिविटी यानी कि किसी को कैद में कर लेना, प्रिजन में डाल देना। द थर्ड शिप ड्रोव टूवर्ड्स द नॉर्थ, और तीसरी शिप जो है वो नॉर्थ की तरफ चलेगी। ओवर द सी द डार्कनिंग सी, जिस तरफ बहुत ज़्यादा गहरा समुंदर है और बहुत ज़्यादा अंधेरा आप कह सकते हैं। बट नो ब्रेथ ऑफ विंड केम फॉर, लेकिन उस तरह कोई हवा या विंड की कोई आवाज़ वगैरह नहीं है। एंड द डेक शोन फ्रॉस्टीली, और जो जहाज़ का जो फर्श है, डेक जो है वो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको डेक कहा जाता है, वो उस तरह सर्दी सी या फिर फ्रॉस्टी यानी जमा हुआ इस तरह से बहुत ज़्यादा सर्दी है उस साइड पर, नॉर्थ की साइड पर। द नॉर्दर्न स्काई रोज हाई एंड ब्लैक ओवर द प्राउड अनफ्रूटफुल सी, और सी को प्राउड कह रहे हैं, ठीक है, सी की भी अपना एक मिजाज होता है, अपना एक आप कह सकते हैं असर होता है, ठीक है, तो उसको वो जिस तरह से आप देखेंगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई होती है और बहुत ज़्यादा मिस्टिकल होता है, मिस्ट्री होती है, एक सी भी एक मिस्ट्री है। ईस्ट एंड वेस्ट द शिप्स केम बैक हैप्पीली और अनहैप्पीली। ईस्ट और वेस्ट की जो शिप्स थी वो वापस आ गई, कुछ खुश थी और कुछ ना खुश थी। बट द थर्ड वेंट वाइड एंड फार इन टू एन अनफॉरगिविंग सी अंडर द फायर स्पिलिंग स्टार एंड इट वॉज रिग्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी। और फिर वो कह रहे हैं कि जो ईस्ट और वेस्ट की जो थी वो तो आ गई, लेकिन जो नॉर्थ की तरफ थर्ड बन गई थी वो तो बहुत ही लंबे और बहुत ही गहरी साइड पर चली गई है, और ऐसे सी की तरफ गई है यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइसबर्ग्स होते हैं और जो सी की जो सतह होती है वो बिल्कुल ही मुंजमद होती है, उसके ऊपर फ्रॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा। और स्पिलिंग स्टार्स का यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जैसे कॉमेट्स वगैरह उस साइड पे ज़्यादा गिरते हैं, और वो कह रहे हैं कि उसको इसीलिए तो उसके ऊपर रॉप्स वगैरह और सारा कुछ लगाया गया था कि उसका बहुत ही लंबी जो जर्नी है उसकी तरफ जानी है, जो कि नॉर्थ की तरफ गई थी, बहुत ही लंबी जर्नी के लिए उसको तैयार किया गया था। फिलिप लार्किन ने ये लिखी है पोएम, ठीक है, कि नॉर्थ की तरफ एक शिप जाती है और वो बहुत ही लंबे सफ़र के लिए जा रही है।